कुछ समय पहले की बात है। मुंबई के लोखंडवाला इलाके में एक पुराना मकान था, बसेरा। यहां रहते थे दादी, सुनील, सुनीता, अंजलि, ढेर सारे बच्चे और उनका आदि चाचू। आदि के बड़े भाई और भाभी हवाई दुर्घटना में मारे गए, तो उनके बच्चे आदि की जिम्मेदारी बन गए। दूसरे भाई सुनील अपनी नाकामयाबी की वजह से शराब के आदि हो गए, तो उनके बच्चे भी आदि चाचू के आदि हो गए। फिर चौकीदार बहादुर और उसकी बच्ची, दादी का डायलिसिस, बहन अंजलि की शादी और घर में ढेर सारे शैतान। परेशान था बेचारा आदि। बच्चे तो बच्चे, ये उनकी ट्यूशन टीचर पिया तो सबसे ज्यादा परेशान करती थी। ऊपर से ये हरीश, आदि के दूर के चाचा, बगल में ही मकान था उनका, जो उन्होंने इन महाशय को बेचा, बिल्डर हीराचंद। अब हीराचंद की नजर बसी थी बसेरा पर, मगर आदि घर बेचने के खिलाफ थे। हरेश जी ने हीराचंद से बसेरा के लिए भी पैसे लिए थे एडवांस में, पर अब आदि की वजह से उनकी परेशानी बढ़ गई। हरेश जी परेशान, तो उन्होंने आदि को तकलीफ देनी शुरू की। आदि, जो एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर था, अपने पार्टनर विक्रम के साथ सर्विस स्टेशन चला रहा था। क्यों बोर कर रहे हो इतना, कुछ दिखाओ ना। सॉरी, देख लो। अरे रतन, बहरा हो गया क्या? फोन की घंटी नहीं सुनाई देती? आदि का फोन है, कौन उठाएगा, क्या फर्क पड़ता है? अरे बाप रे, क्या हुआ सर? लो ना, मरना है क्या? आफत का फोन है। मगर ये आदि गया कहाँ है? गाड़ी की टेस्ट लेने। चश्मे बदूर मेरे यार, हो गया मैं बेकरार। चश्मे बदूर मेरे यार, हो गया मैं बेकरार। प्यार में तेरे तेरे तेरे, प्यार में तेरे तेरे।
आँखों में क्या है क्या है क्या है क्या है। एक चेहरा एक चेहरा तेरा चेहरा हर वक्त मेरी धड़कन पे क्या है क्या है क्या है क्या है। एक पहरा एक पहरा एक पहरा तेरा पहरा मेरी दुनिया के नूर चाहूं तुझको भरपूर चश्मे बस दूर हो गया चूर 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 प्यार में तेरे आदी, no problem. चोपड़ा साहब से क्या के गाड़ी लेकर जाएं हवा से तेज भागेगी। This car is as good as new baby. आदी, yeah. हवा से तेज तो अब तुझे भागना है। मतलब? 10 मिस कॉल्स है, सब आफत के। Oh, shit, 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 shit. क्या हुआ? अरे यार चंदू का बर्थडे है यार। फोन ही नहीं उठा रहा है। मैं चाचू को कभी माफ नहीं करूंगा क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूं 5 साल का। चलो ना कटते ना के दीदी का है। पिया दीदी क्या है? चलो ना केक काटते हैं। केक तो तुम्हारा चाचू लाने वाला था ना? वो लेट लंगूर, हमें पता था वो लेट होने वाले हैं, इसलिए हमने केक पहले से मंगा के रखा है। अरे डफर्स, किसी मीटिंग में फंस गए होंगे, आते ही होंगे। ओ तुम जियो हजारों साल, ओ बहादुर तुम बराबर गाओ। ओ बार बार दिनिए आए, ओ बार बार दिनिए गाए, तुम पूरे टाइम गाता रहता है। बहादुर बहादुर तुम बराबर गाने का शुरू में गाने गाए। बार बहादुर कौन बोला? बहादुर बॉक्स बोला? बहादुर सॉरी साहब जी, अंदर क्या सिचुएशन है? बुझाऊं क्या? हे गाइस मैं आ गया, जलाने तो दो। हे टाइगर्स, ओ या, अरे वो टायर पंचर हो गया था यार। चलो 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 निकालो निकालो दो दो दो। अरे भाई ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है? इन लोगों ने बेट लगाई थी कि तुम क्या बहाना बताओगे। वो क्लाइंट के साथ फंस गया था ना, मैं मीटिंग से निकल ही नहीं पाया, ऑफिस में सो गया था, केक तैयार नहीं था ना, कितना ट्रैफिक जाम था। सॉरी यार टायर पंचर हो गया था। इसने सही बहाना बताया, इसने शर्त जीत गया। आहा ओके यार ओके, आई एम सॉरी। चंदू का बर्थडे और आप यहाँ बैठकर शराब पी रहे हैं? सुनीता दिमाग मत खराब करो, मैं भी तो सेलिब्रेट कर रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन आप वहाँ चलकर सबके साथ भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। इन सबके सामने पीऊंगा तो तुम्हारी इज्जत नहीं जाएगी क्या? तुम मत पियो ना। अरे चाहो ना तुम, अब क्यों नहीं चाहो ना बहू, तुम चलो, तुम गाइस की मुल्क थी, तुम्हारी बात तो सुनने वाला है नहीं, चलो। गुड इवनिंग हरेश जी, वहाँ बच्चे आपस में म्यूजिकल चेयर्स खेल रहे हैं,
और आप यहाँ मेरे साथ म्यूजिकल चेयर्स खेल रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। हाँ, अपना घर बेचते वक्त आपने मुझसे इस घर के लिए भी एडवांस लिया था। आपने मुझसे कहा था ये लोग घर बेचने के लिए यूं राजी हो जाएंगे। अब तक राजी नहीं हुए। राज क्या है? मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। वक्त? हाँ। देखिए, मैं एक एस्टेट एजेंट से बिल्डर कोई छोटी मोटी बस्ती बांधने के लिए नहीं बना। मैं हर घड़ी, हर मिनट, हर सेकंड पैसे कमाना चाहता हूँ। इसलिए कभी खाली नहीं बैठता, क्योंकि जो लोग खाली बैठते हैं वो देश को नुकसान पहुंचाते हैं, देश के दुश्मन होते हैं। और देश का दुश्मन मेरा दुश्मन। इंडिया इज माई कंट्री, एवरी इंडियन इज माई ब्रदर एंड सिस्टर। आई लव माई कंट्री। शट अप। सेठ जी, बस मुझे एक हफ्ते की मोहलत दे दीजिए। एक हफ्ते में क्या हो जाएगा? मैंने अदी की बहन के लिए एक लड़का देखा है। तो कितने आदमी होंगे? दो, प्रभाकर और उसका बेटा रोहित। वो दो और हम इतने सारे, बड़ी नाइंसाफी है। चाचू, हमने आपका नमक खाया है। कल अंजलि को देखने लड़का आ रहा है, तुम में से कोई भी उसके सामने नहीं आएगा, बस। क्यों? वो काटता है। आई से शराब? नहीं। वैसे तो अंजलि मेरी भतीजी है, लेकिन बेटी से भी बढ़कर है। हमारा आपस में बहुत प्यार है। वाह, आज की तारीख में ऐसा परिवार देखने को मिला, यही बहुत है। वैसे अंजलि ने पढ़ाई कहाँ तक की है आज की तारीख में? जी, बीकॉम तक। अभी अभी कंप्यूटर कोर्स खत्म किया है और पिछले एक साल से एक प्राइवेट फर्म में काम भी कर रही है। वेरी गुड। रोहित, आई मस्ट से यू आर वेरी लकी गाय। बहुत खुश रहेगी वो तुमको। शी विल रियली कीप यू वेरी। जाओ ना। क्या? अब खाओ ना। अब कुछ खाया ही नहीं तुमने तो, प्लीज। नहीं नहीं, लो ना। नहीं, मैं नहीं कर रही। चुप रहो तुम सब, चुप रहो। मैंने लड़के को देख लिया है। दिखने में कैसा है? बहुत अच्छा दिखता है। यस। ओ यार। ओके, मैं जा रही हूँ। कहाँ? लड़के को देखने। इतनी क्यों उतावली हो रही हो? शादी मेरी हो रही है। अरे तुम कहाँ जा रही? लड़के से मिलने। आजकल की लड़कियाँ बड़ी बेशरम हो गई। क्यों? मुझे लगा कि तुम मुझसे कहोगी भैया मुझे नहीं करनी शादी वादी, फिर मैं तुम्हें समझाऊंगा कि देख पगली, अब लड़कियां जो होती हैं वो पराया धन होती हैं, एक ना एक दिन उन्हें घर छोड़ के जाना ही पड़ता है, वगैरह वगैरह। चाय की माय फुट। मैं तो शादी एक ही कंडीशन पे करने वाली हूँ कि शादी के बाद भी मैं यही रहूंगी। शादी के बाद भी झेलना पड़ेगा? अच्छा ठीक है, एक सेकंड। मुझे नहीं करनी कुछ शादी वादी। अरे बेटी सुनो तो सही। कुछ नहीं सुनना मुझे, बस। नहीं करनी शादी? हाँ। 100%? हाँ। ठीक है तो मैं उनसे कह देता हूँ कि शादी नहीं करनी यार। हाँ, ये आईडिया क्या हुआ? मेरी हर बात तुम इतनी सीरियसली क्यों लेते हो? अभी चलो, अभी कहाँ? नीचे। क्यों? अब भैया चलो ना। ओ या। चलो आराम से यार। ये आ गई हमारी बिटिया। ये अंजलि नहीं है और ये रोहित नहीं है। चलिए प्रभाकर जी, अब इन दोनों को अकेला छोड़ देते हैं। जी आइए, मैं आपको अपना कोर्ट दिखा देता हूँ। चलिए चलिए। मेरा घर भी पास में ही साहब। उगर से निकलते ही बहादुर कुछ दूर बैठिए। मेरा साहब भी बोता सगाता है साहब। कैसी हैं आप? I'm fine. आप कैसे हैं? Fine, fine. Yeah. आपने कुछ लिया ही नहीं? नहीं. It's okay. आप लीजिए ना, please. नहीं, पहले आप लीजिए. नहीं नहीं, आप लीजिए ना, please. नहीं, पहले आप लीजिए. Please, नहीं, आप लीजिए. इसीलिए मैंने अपनी बगल वाली प्रॉपर्टी बढ़िया दामों पर एक बिल्डर को बेच दी, और यही राय मैंने भी। चाचा जी प्लीज, आज नहीं,
देखो आदि, आज की तारीख में मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, इसलिए मेरी बात का बुरा मत मानना। देखो बेटे, आज की तारीख में लड़कियाँ जॉइंट फैमिली में रहना पसंद नहीं करती जी, इसलिए मैंने रोहित के लिए एक फ्लैट खरीदा है। अब गाड़ी वाड़ी इंटीरियर सब मिला के खर्चा 1 करोड़ तक आ सकता है। 50 का तो बंदोबस्त मैंने कर लिया है, बाकी के जो फिक्र मत कीजिए, बाकी के 50 मैं अरेंज कर दूंगा। गुड, तो 25 सगाई से पहले, 25 शादी से पहले। गुड बाय। अरे ये भी कोई तरीका है प्रभाकर का, 50 लाख कोई कम रकम होती ना कर देते, दूसरा लड़का ढूंढेंगे बस। प्लीज चाचा जी, ये सब अंजलि की भलाई के लिए हो रहा है, प्लीज। लेकिन बेटी इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाओगे? कुछ ना कुछ हो जाएगा। इतनी जल्दी 25 लाख कहाँ से लाएंगे? लेकिन विक्की, वो जो 32 लाख तुमने हमारे जॉइंट बैंक अकाउंट से निकाले थे किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए? आदि मार्केट डाउन है यार, एक बायर है मगर वो पैसे 3 महीने बाद देगा। 3 महीने? विक्की आर यू श्योर? ऑफ कोर्स आदि। तो मैं सेफ्टी के लिए मार्केट से 4 महीने का लोन उठा लेता हूँ, घर के पेपर्स गिरवी रखने पड़ेंगे। ठीक से पढ़ लिया ना बेटा, पैसे लौटाने की आखिरी तारीख 4 महीने बाद 17 दिसंबर है। ये लीजिए सेठ जी, ये घर के पेपर्स, ये 25 लाख रुपए। थैंक यू। अरे बेटे इतनी जल्दी भी क्या थी, आज के तारीख में? कोई बात नहीं प्रभाकर जी, पैसे आज दूं या कल क्या फर्क पड़ता है। अच्छा तो सगाई अगले महीने की 15 तारीख को फिक्स कर दे। जैसी आपकी मर्जी। लो ना। थैंक यू। लो। अरे हीराचंद जी, आप? पहले बांटो फिर काटो, है ना? क्या करें, पैसा ही पैसे को खींचता है। ये रहा आदित्य वर्मा का एग्रीमेंट और ये उसके घर के कागजात। पूरे 50 लाख है ना? किस सोच में पड़ गए हरीश बाबू? इफ यू डोंट माइंड हीराचंद जी, कैन आई से समथिंग? ये सौदा आपने बड़े घाटे का किया है, 25 लाख के कागजात आपने 50 लाख में खरीद लिए। मैं अपने भतीजे आदि को अच्छी तरह से जानता हूं, वो किसी तरीके से भी कुछ भी करके अपना कर्जा वक्त से पहले चुका देगा। हाँ मकसूद, ये है श्रीमान मकसूद कलाम, स्टैंप पेपर घोटाले के मेन आर्टिस्ट। अच्छा अच्छा वो। यस, थैंक यू माय फ्रेंड। हरीश बाबू जरा फाइल दिखाइए। अब बताइए कौन सा सिग्नेचर असली है? इनक्रेडिबल, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। बेचारा आदित्य इस गलत फहमी में है कि पैसे लौटाने की आखिरी तारीख 17 दिसंबर 2005 है, पर मैंने डेट बदल कर 17 अक्टूबर 2005 कर दी है। 2 महीने बाद वो बंगला मेरा होगा। अब मुझे इन दोनों की कोई जरूरत नहीं है। इन दोनों की? यस। देश का दुश्मन मेरा दुश्मन। इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आदि भाई, टाइम देखा क्या? अरे टाइम तो अच्छा आने वाला है यार, सुबह होते ही ये गाड़ी हवा से बात करेगी। इंडिया फर्स्ट सोलर पावर का। ओ साजे, हमको लगेगा साजे कैसा गाड़ी चला रहा है। बच्चे लोग, बच्चे लोग, वो बच्चे लोग, वो तो साजे सोलर से लेकर गाड़ी है। न्यू कार। ओके। लेकिन ये कार किसने बनाई पता है? किसने? चाचू ने। और ये न्यू कार किस पे चलती है ये पता है? हमको पागल समझते हो क्या?
पेट्रोल। अरे नहीं यार, ये कार चलती है सोलर एनर्जी पे। सोलर एनर्जी? ये क्या होता है? सोलर एनर्जी मतलब सूरज की किरणों पे। मजाक मत करो बेटा। अरे दादी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली। कल ही मेरी जीएम मोटर्स के ओनर्स के साथ मीटिंग है और अगर मेरा पेटेंट बिक गया तो वी आर गोना बी रिच। La 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 राह में दर्द बांट लेंगे हम हो चाहे हो खुशी मिलके अब सहेंगे हम। कोई आप जैसा मिल जाए तो बात बन जाए सनम। कोई आप जैसा मिल जाए तो बात बन जाए सनम। गिरा हमें दर्द बांट लेंगे हम हो चाहे हो खुशी मिलके अब सहेंगे हम। आदि भैया ये तो बहुत महंगे होंगे ना? लेकिन मेरी बहन के एक्सप्रेशन से ज्यादा नहीं। राइट? ऑलराइट। ये सब क्या है? हाँ, इतना सारा पैसा खर्चा करने की क्या जरूरत थी? आदि, दादी शादी? शादी नहीं, सगाई। दादी और पैसे आ जाएंगे, डोंट वरी। आ जाएंगे, आए तो नहीं ना? ऐसे तो तुम कंगाल हो जाओगे। हुआ तो नहीं ना? राइट राइट। दादी तुम चूज करो ना। देखूं? ये ये ओके। वो कहाँ गया? ये ओके। वाओ। नहीं ये तुम्हारे लिए नहीं है। क्यों? ये बहू के लिए। बहू? पिया इधर आइए। आप ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक है, वो तुम्हारे लिए। और सोचो एक दिन में अगर तुम दोनों की शादी हो गई तो पैसे भी बच जाएंगे। व्हाट? हाँ
और जिंदगी भर बच्चों की ट्यूशन फ्री। शादी पिया से? How ridiculous. कुछ ridiculous. क्यूलेस नहीं है। शादी शादी शादी। ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? मीटिंग चल रही है। कैसी मीटिंग? पिया दीदी की मम्मी और दादी का सॉलिड डिस्कशन हो रहा है। क्या सॉलिड डिस्कशन हो रहा है? शादी। ओ यार। जाओ। उसे पता तो नहीं चलेगा ना? हमारी बेटी को तो कोई ऐतराज नहीं है। जैसे ही लड़के वाले हाँ करते हैं, अच्छा सा मुहूर्त निकलवा के शादी कर देते हैं। दादी आप लोग मुझसे पूछे बिना यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन दादी तुम तो दादी इतनी जल्दी क्या है? शादी जिंदगी में एक बार होती है। लेकिन बेटा पिया को तो कोई ऐतराज नहीं है। हाँ। पिया को क्यों ऐतराज होगा? लेकिन मम्मी तो बात चला चुकी है ना? दादी, I don't care, आप मना कर दीजिए। लेकिन हम तो बैंगलोर की टिकट्स खरीद चुके हैं। कोई जरूरत नहीं है बैंगलोर जाने की। बैंगलोर क्यों? लड़के वालों से मिलने। वहाँ हमारा कौन है दादी? वहाँ मेरी बहन रहती है। अच्छा? उसी ने बात चलाई है। लड़का अमेरिका का है। मैं उसकी तस्वीर भी साथ लेके आई हूँ। ये देखिए उसकी तस्वीर। अब लेकिन बच्चों के एग्जाम्स भैया। अरे डोंट वरी चाचू। हा? पिया दीदी ने हमारा पोर्शन ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। हैंडसम है ना आदि? बहुत हैंडसम है, किसी हीरो से कम नहीं है। हाँ शाहरुख खान। ठीक है, अब आप लोगों को ठीक लगता है तो अच्छा ही होगा। मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। ओके बाय बाय। ओया चाचू चलो ना खेलने को। तुम लोग खेलो ना, मुझे परेशान मत करो प्लीज। चाचू चल। नो हुआ है? जाते क्यों नहीं? टाइगर्स हार जाएंगे। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम जाओ ना बैंगलोर। डोंट एक्ट चाइल्डिश, ओके? कम ऑन। आई एम एक्टिंग चाइल्डिश। आई एम एक्टिंग चाइल्डिश। तुमने एक भी बार सोचा है कि अगर तुम चली जाओगी तो मेरा क्या होगा? नई टीचर रख लो। हाँ, रस्ते से किसी को भी उठा के इन लोगों की चाची बना देता हूँ। क्या सबको डफर कहती? सबसे बड़ी डफर तो तुम। मतलब? मतलब आई लव यू। आई लव यू टू। रियली? नाउ गेट गोइंग, दे नीड यू। आई लव यू टू। लव यू टू डफो। Yeah!
टाइगर्स कभी नहीं हारते, ओके? ओके। नाउ गिव मी किस। Kids, come on, let's go. Time for bed. 10 बज गए, no five minutes. एक दिन मैच जीत गए तो क्या पूरी रात पार्टी करेंगे? आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? चलिए। ये आदि को क्या हो गया? बड़ी जल्दी कर रहा है। चाचू, आप मुझे शांति से नहीं खाने दे रहे हो। बेशरम, तीसरी बार खा रहा है, कुछ तो शर्म कर। चाचू। हाँ, क्या? एक कोल्ड ड्रिंक का टाइमर लगा सकते हैं? No. Good night. That's it. Go to bed. और चंदू तुम? अरे यार, stop it चंदू, stop it. चलो, come on. भाभी अंजलि इन लोगों को अंदर लेकर जाइए ना, please. चलो, I said go to bed, just go to bed now. Come on, चलो. और तुम भी जल्दी आ जाओ. दादी, ये आप क्या कर रही हैं? टेबल साफ कर रही हूँ. और कल सुबह डायलिसिस के लिए कौन जाएगा? पर ये भी तो करना है. नहीं करना है, मैं हूँ, ये है, हम लोग कर लेंगे. चलिए आप जाइए. आदि. दादी, गुड नाइट. दादी घर क्या रही है? अब तक आई क्यों नहीं वो? दादी, 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 मैं उन दोनों को साथ साथ छोड़ के आई हूँ. चलो ना दादी, बाहर जाके उनको रेड हैंड पकड़ते हैं. चाचा ने चंदू के चाची को चोरी चोरी चुपके से चुम्मी चिपकाई. अब वो एक्चुअली दादी, आप लोगों ने कहा था तो हमने सोचा कि हम बड़ों की बात को कैसे टाल सकते हैं. ठीक है, बात समझ में आ गई. तो कल सुबह जाके पिया के घर वालों से बात करेंगे. ओके. आप लोगों को बैंगलोर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन पिया की मासी की नाक कट जाएगी बेटा. नहीं आंटी, वो नाक बचाने का सलूशन है मेरे पास. एक्चुअली मैं भी कुछ दिनों बाद रिश्ते की बात करने अमेरिका जाने वाला था. तो हम एक काम कर सकते हैं, उस अमेरिकन लड़की को वो बैंगलोर आने वाले अमेरिकन लड़के से मिला देते हैं, तो उन दोनों का कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा. और फिर मैं भी मुंबई का, पिया भी मुंबई की. नहीं, ये नहीं हो सकता. सॉरी, नो. मॉम, जाने भी दो ना, इतना भी लंबा मत खींचो. ओके. तो क्या कहते हैं नॉर्मली? मैंने सपने भी नहीं सोचा था मुझे इतना अच्छा दामाद मिलेगा. थैंक यू. तो शादी की तारीख पक्की कर देते हैं? हाँ, जिस दिन अंजलि की सगाई है उस दिन इन दोनों की भी सगाई कर देते हैं. अच्छा, तो मेरा पत्ता काट कर यहाँ सेटलमेंट का इशू चालू है. पंकी, मेरा इंट्रोडक्शन मैं खुद देता हूँ. 15 साल पहले की बात है, जब मेरे पिताजी और इनके पति जी दोस्त हुआ करते थे.
दादी तब तय हुई थी हमारी शादी बचपन में। हा? लेकिन बचपन में दुबई गए इनके पति जी और ऊपर गए मेरे पिताजी, और फिर 3 साल पहले ये मुझे पूना में चूना लगाकर यहाँ आ गए। आंटी ये क्या बकवास कर रहे हैं? आगे का एपिसोड मैं सुनाती हूँ। इस पंकी से शादी करके क्या पिया की बर्बादी करनी थी? जिंदगी में हरदम फेल होके ड्रग्स के सिलसिले में जेल गया ये पंकी। लेकिन अब टूट गई सारी सलाखें, अब पिया और मुझे कोई दूर नहीं कर सकता। चलो पिया। एक सेकंड, वेरी गुड वेरी गुड। आपने कभी अपने बात करने का तरीका देखा है? कभी अपनी शक्ल देखी है? कोई माँ पागल ही होगी जो आप जैसे लड़के को अपनी बेटी का हाथ देगी। सो मिस्टर पंकी, प्लीज स्टॉप बिहेविंग लाइक अ मंकी एंड गो बैक होम। ओके, चल। क्या बोला ये? हे पंकी, आदि, आई बी राइट बैक, डोंट वरी। आनंद राज, पिया चुपचाप मेरे साथ चलो वरना उठवा कर ले जाएंगे। ओ या आनंद राज, बहुत शौक है ना म्यूजिक का? लो तबला सीखो। हीरो समझते हैं अपने आप को? हरेश बाबू, क्यों जूते घिस रहे हो? आके बैठ जाओ, टेंशन मत लो। अरे यार टेंशन कैसे ना लूं? कल आदि की मीटिंग है, बहुत बड़ी रकम मिलने वाली है उसे। तो क्या हुआ? कल फ्राइडे है, आदि चेक डालेगा बैंक में सैटरडे को, उसके बाद है संडे, मंडे को बैंक में स्ट्राइक है, ट्यूसडे को हनुमान जयंती है और वेडनेसडे को, बट दैट इज इररिलेवेंट। 2 दिन बाद वो अग्रीमेंट खत्म होता है और वो प्रॉपर्टी मेरे नाम आने वाली है, बिकॉज इट इज ए लीगल डॉक्यूमेंट। और देश के कानून के खिलाफ जो जाता है वो देश का दुश्मन होता है, और देश का दुश्मन मेरा दुश्मन। इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई लव माई कंट्री। मुझे काम पे जाना है यार। अरे हैंग ऑन, What's going on? आज आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है। Yeah, so? तो आज हम आपको तैयार करेंगे। Hey, नहीं, अरे, अरे, ये, क्या कर रहे हो यार? आओ। और पैंट कौन पहनाएगा? अरे चाचू, तुम बच्चे थोड़ी हो, खुद नहीं पहन सकते। लेट हो गया। दादी मैं जा रहा हूँ। एक मिनट बेटा। जीते रहो। लो दही खाओ। क्या देख रहे हो? दादी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी डील है, आज के बाद हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा। ओ गॉड, 10:30 बज गए। ओके ओके ओके, मैं जा रहा हूँ। ये क्या है? मेरा रिपोर्ट कार्ड, साइन करो ना। कल क्यों नहीं दिखा? बच्चा हूँ, भूल नहीं सकता क्या? मैं रात को आके साइन करूंगा, अभी मुझे टीचर से मार खिलवाओगे, जल्दी करो ना। मार्क्स इतने कम क्यों हैं? एग्जाम्स के टाइम बीमार था, भूल गए क्या? भैया ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू भाभी। बदमाश, ऑल द बेस्ट, थैंक्स, बाय। क्या है, लेट मी गो यार। आप कुछ भूल नहीं रहे? मैं कुछ नहीं भूल रहा हूँ भैया। ओ थैंक्स, चलो ओके बाय बाय। आउच। टाइगर्स टाइगर्स, हाँ इतनी जल्दी स्कूल चले गए टाइगर्स? अरे अरे क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, रो क्यों रहे हो? मर गया। क्यों? टीचर मारेंगी, चाचू मेरी फाइल ले गए। क्या दिखा? अरे बाप रे, तो आदि की मीटिंग की फाइल है। टाइगर्स, हेलो
आदि। हाँ दादी, क्या है? बेटा तुम कौन सी फाइल लेकर गए? क्या हुआ? ओह शिट, ओके ओके दादी, आप किसी को बाहर भेजिए, मैं दो मिनट में वहां पहुंच रहा हूँ, ओके? पार्थ लिसन टू मी, पार्थ डोंट क्रॉस द रोड, पार्थ रुक जाओ, लिसन टू मी। चाचू, मैं आ रहा हूँ। चाचू, डोंट क्रॉस द रोड, पार्थ। Park, don't! संभालिए माँ जी, अगर आप हौसला नहीं रखेंगी तो इन सब का क्या होगा? माँ जी, संभालिए। मैं क्या करूँ, का बंदोबस्त करके आता हूँ। पिया, पिया,
Great car. Thanks. 927 Chevrolet, 4 cylinders, 1800 cc. Well maintained. मेरी गाड़ी मेरे को ही सिखा रहे हो? इतना धुआं क्यों है? धुआं नहीं, clouds है. हम लोग किसी hill station पे जा रहे हैं? नहीं, हम लोग स्वर्ग जा रहे हैं. Good joke. तुम मर चुके हो. गुड जोक है ना. मजाक अच्छा करते हो. देखना चाहोगे? नीचे देखो. Yeah, sure. Oh, shit. ऐसा कैसे हो सकता है? उड़ती हुई. मैं सपना देख रहा हूं. पिंच मी, पिंच मी, पिंच मी. ओके. आओ आओ. ये सपना नहीं है? ये सपना नहीं है, तुम मर चुके हो. एंड लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ माय बॉय. आई एम यमराज एमए. एमए? एमए का मतलब मौत का आयोजक. क्यों मजाक कर रहे हो? सच बताओ ना प्लीज. पहले मुझे भी ऐसे ही लग रहा था. ही सीरियस. तुम कौन? मैं शक्ति. मैं भी मर चुका हूँ. ये कैसे हो सकता है? इसका टाइम आ गया था. ये देखो, ये तुम हो, ये तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ, ये तुम्हारा डेट ऑफ डेथ. एंड मी, आई एम द डिलीवरी मैन. एक सेकंड, मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैं मर गए. ऐसे कैसे मार सकते हो? आई मीन, कुछ नोटिस वोटिस तो देना चाहिए ना कि बीमार पड़ गए हो, तबीयत खराब है. अपनी फैमिली के लिए कुछ कर तो सकता था. अब क्या होगा उनका मेरे बिना? इट्स नॉट ऑफ माय कंसर्न सर. दिस एपिसोड वाज डायरेक्टेड बाय चित्रगुप्त. नहीं, तुम यमराज नहीं हो सकते. क्योंकि मेरी बड़ी बड़ी मूछे नहीं, मैं सींग वाला मुकुट नहीं पहनता, धोती नहीं पहनता, इसलिए ना. एग्जैक्टली. अरे वो तो बाबा आदम के जमाने का गेटअप था. माय बॉय, टाइम्स हैव चेंज्ड. इट्स 2005. तुम पैसे की जगह ये शेवरले गाड़ी कैसे चलाते हो? ओके, मिस्टर बफलो, कुड यू शो योरसेल्फ प्लीज. यमराज जी. यस. आपने गधा कहा है? हाँ, कहा है. हाँ, बस इतनी छोटी सी. हाँ, पेशेंस माय बॉय. ये कैसे किया? टेक्नोलॉजी माय बॉय, टेक्नोलॉजी. सारी आवाजें कहां से आ रही हैं? हम नर्क के ऊपर से जा रहे हैं. नर्क? मैं देखूं? देखो. That was so horrible. अरे हॉरिबल काम भी किया ना इन लोगों ने. ओ
माउंटेन है यार। We have reached our destination, sir. चले? मैं नहीं आऊंगा। अरे इतनी अच्छी जगह है, मुझे मेरी फैमिली की चिंता हो रही है। यमराज जी प्लीज प्लीज मुझे वापस जाने दीजिए। यू नो आई कांट लेट यू गो, यू नो। प्लीज यमराज जी, मेरी फैमिली के पास और कोई नहीं है। यमराज जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। यमराज जी प्लीज। यू डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट हैव द अथॉरिटी। आपको इसकी जरूरत है? इतने हट्टे कट्टे तो हो। आई नो लेकिन नो यम। अच्छा मुझे मेरे घर में क्या हो रहा है ये तो दिखा दीजिए। Okay, as you wish. प्रिया दीदी, लोग झूठ बोलते हैं ना? चाचू को कुछ नहीं हुआ है। मैं जानती हूँ, वो जरूर वापस आएंगे और आते ही बहाना देंगे। टायर पंचर हो गया था, ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। ये विक्रम ना बहुत आलसी हो गया है, उसका सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। बैंक वाले पैसे नहीं देते। ऑफिस में सो गया था। दीदी चाचू को फोन लगाओ ना। आप मैंने फोन किया था, एंगेज था, अभी फोन करेंगे हम। झूठ क्यों बोलती हो बेटी? देखो बच्चों, तुम्हारे चाचू ऐसी जगह गए हैं जहाँ से कोई कभी वापस नहीं आ सकता। नहीं नहीं, मैं नहीं टूटूंगी। उसे लगता है ना मैं टूट जाऊंगी, मैं नहीं टूटूंगी। दादी मैं भी देखती हूँ वो मुझे कितने दुख दे सकता, मैं भी देखती हूँ वो कितने निर्दयी हो सकता, मैं भी देखती हूँ वो कितना निर्दयी हो सकता है। ये सब मैं नहीं देख सकता यार, मैं बहुत इमोशनल आदमी हूँ। तो मेरी मदद करो ना प्लीज। मैं क्या कर सकता हूँ यार, मुझे कुछ देरों के लिए मुझे नीचे जाने दो। वो मैं नहीं कर सकता, वो इतने भगवान कर सकते हैं। और इस वक्त वो अपनी बीवी के साथ 8 दिन के हॉलीडे पे गए। बाबा गया हुआ। अच्छा तो एक काम करो, मुझे 7 दिन के लिए नीचे भेज दो, उसके बाद ऊपर ले आना प्लीज। ठीक है मैं कुछ करता हूँ। थैंक यू यमराज जी, अब मैं नीचे जाकर सब ठीक कर दूंगा। सब ठीक कर दो ठीक है। थैंक यू। लेकिन एक मिनट यार, तुमको ना कोई देख पाएगा ना सुन पाएगा, तो फिर कैसे करोगे? क्यों? अरे तुम आत्मा बन के नीचे जाओगे ना। मैं चाहता हूं तुम कुछ कर सकते हो, मेरी मदद करो ना। अरे यार मुझे तुम्हारे अंदर तुम्हारी जान डालनी पड़ेगी यार। अरे तो डाल दो ना यार। पागल हो गए तुम, ये रिस्क में नहीं ले सकता। तो ठीक है मैं भी नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा, यही रह के भूख हड़ताल करूंगा, गाना नहीं गाऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा, कुछ नहीं करूंगा। मैं अपने हाथ से खिलाऊंगा पिलाऊंगा यार। नहीं चाहिए मुझे यार, मैं क्या करूं? अरे यार तू मुझे फिर से इमोशनल कर रहा है। तुम्हें क्या करूं मैं, तुम्हें क्या करूं, मेरी फैमिली, मेरी मदद करो। ठीक है मैं कुछ करता हूँ। क्या करोगे? 7 दिन के बाद मैं नीचे आकर 5 मिनट के लिए तुम्हें तुम्हारी जान वापस दे दूंगा। अरे 5 मिनट के लिए मुझे मेरी जान दोगे तो मुझे क्या फायदा होगा, मुझे नहीं चाहिए। तो 5 सेकंड 5 मिनट ठीक है गेट रेडी फॉर ब्लास्ट ऑफ। आई लव यू यार। थैंक यू। 3 2 1 जाएंगे। अरे तुम दोनों ऑलरेडी मर चुके हो ना इडियट्स।
All the best. Happy landing. अरे कैसे हुआ यार? तुमने तो कहा था हम भूत हैं। अरे हाँ भूत हैं। हाँ। अब चले? चल। चलो। मैं बैड बॉय हूँ। सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं चाचू को साइन करने के लिए रिपोर्ट फाइल नहीं देता ऐसा कुछ नहीं होता। सॉरी चाचू। ऐसा नहीं कर। पिया दीदी, भगवान ने चाचू को क्यों बुला लिया? क्या है ना, वो हमारे साथ एक खेल खेल रहा है। अच्छा? हाँ, जैसे हम हाइड एंड सीक खेलते हैं ना, लुका छुपी, बिल्कुल वैसे। तो उसने हमारे आजी चाचू को छुपा लिया है। मगर हम क्या करेंगे ना, हम भगवान को पता ही नहीं चलने देंगे कि हम उस टफर को मिस कर रहे हैं, है ना? हम ऐसा बिहेव करेंगे जैसे वो हर वक्त हमारे साथ है। मैं हूँ पिया, मैं हूँ पिया। बहुत ज्यादती की है भगवान ने हमारे साथ। सब कुछ ठीक हो रहा था, अचानक प्रभाकर जी, सगाई की तारीख को हम पोस्टपोन कर देते हैं। नहीं, सगाई उसी दिन होगी। आदि ने जो कुछ तय किया है बदलेगा नहीं। थैंक्स दादी। मगर आज की तारीख में 25 लाख एक महीने में दे पाओगे हरीश जी? क्या 25 लाख? हाँ, आदि से बात तय हुई थी, 25 लाख सगाई से पहले, 25 लाख शादी से पहले। अरे लेकिन 25 लाख तो मैं दे चुका हूँ इनको। ठीक है, अगर आदि ने वादा किया था तो हम उसे पूरा करेंगे। डोंट वरी प्रभाकर, डोंट वरी। कहाँ से आएंगे इतने सारे पैसे? ये विक्रम देगा ना, उसका पार्टनर है वो। मेरे पास इतने पैसे कहाँ होंगे? जो प्रॉफिट हुआ था पिछले साल, आदि ने वो पैसे रियल एस्टेट में लगा दिए। कितना झूठ बोल रहा है, कितना। आप तो जानते हो कि रियल एस्टेट का भाव कैसे गिर रहा है। बेचारा आदि, ये पैसे तो डूब ही गए समझो। अच्छा माँ जी, मैं निकलता हूँ, कल तक आपका फैसला बता दीजिए। एक सेकंड, आप एक मिनट, अभी बताती हूँ। मुझे नहीं करनी शादी। अंजलि, शट अप। आपकी मर्जी। नहीं नहीं प्रभाकर जी, आप मेरी बात सुनिए। आज के बाद मेरी शादी की चिंता करना छोड़ दो। पागलों जैसी बातें मत करो बेटी, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। हाँ। नहीं करनी शादी। शट अप अंजलि, तुम चुप रहो, बैठ जाओ। बस हो गया, बैठ। विक्रम, वो जनरल मोटर्स की डील का क्या हुआ? आदि कह रहा था कि उसमें से बहुत सारे पैसे आएंगे। वेरी गुड दादी, अब पता चलेगा, बोल। वो दादी, एक्चुअली वो एक कंपनी है, फैंसी व्हील्स, उन्होंने उसी कार का पैटर्न आदि से पहले ही बेच दिया। कितना झूठ बोल रहा है विक्रम, कितना झूठ बोल रहा है विक्रम तू। कोई फायदा नहीं है आदि भाई, क्या होगा, हम तो भूत हैं। देखता हूँ माँ जी, अगर मुझसे कुछ हो सके तो। अच्छा माँ जी, मैं चलता हूँ। ए विक्रम, कहाँ जा रहे तू? विक्रम रुक, विक्रम, विक्रम रुक, विक्रम। देखिए, ये सच है कि मैं आदि का सगा चाचा नहीं हूं, लेकिन अपना परिवार तो एक ही है ना।
अब अंजलि की शादी की जिम्मेदारी मेरी है। हाँ बेटी, तुम्हारी सगाई भी होगी और तुम्हारी शादी भी होगी, बिल्कुल वैसे जैसे हमारे आदि ने सोचा था। इतने पैसे हैं तुम्हारे पास? मेरे पास कहां से होंगे। हाँ, एक रास्ता सोचा है मैंने। मैंने अपनी बगल वाली प्रॉपर्टी एक सेठ हीरा चंद को बेच दी थी। अब वही ने एक आदमी ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी तैयार है। एक अच्छी खासी रकम भी मिलेगी और एक बढ़िया फ्लैट भी मिलेगा। नहीं दादी, नहीं। हाँ, क्यों ना? तो फिर ये देखिए, ये आदि ने 25 लाख रुपया सेठ हीरा चंद से ब्याज पर लिए थे। हाँ? और इस रकम को लुटाने के लिए 2 दिन सिर्फ हैं। अरे लेकिन मैंने तो हीरा चंद जी से पैसे लिए नहीं थे, और वैसे भी डेट 1 महीने बाद की है। ये देखिए, सिग्नेचर भी आदि के। ये सब मिलकर मेरी फैमिली को फंसाना चाहते हैं। दादी, इनकी बात मत सुनिए। ये ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे अब ये घर तो गया ही समझो। आप कहाँ जा रहे आप? शिट, क्यों आया मैं यहाँ पे? क्यों क्यों क्यों? आदि भाई, क्या है? अपना नसीब इतना खराब है कि आप सर भी ना फूटेगा। चल यार। आदि भाई, हम कहाँ जा रहे हैं बोलो ना। पता नहीं। अरे आदि भाई, भूत है। अरे पता है भूत है यार, यही तो सारा प्रॉब्लम है। क्या फायदा इन 5 दिनों का, क्या फायदा यहाँ आने का? कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग, यूजलेस। तेरी माँ का, पहले ही कुंडली में तेल कम है, साला आग झपक ही रही थी कि ये दोनों टपक है। ये क्या रे, ये इधर उधर क्या देख रहा है? तेरे से बात कर रहा हूं, इधर आ। हमसे? बैठ बैठ। जी आप हमें देख सकते हैं? अरे टपके ले, नहीं तो क्या, इधर टाइम पास कर रहा हूं मैं, अंधा हूं। अब उनका नाम मालूम क्या है? फकीरा। फकीरा BPCM। ये BPCM क्या होता है? भूत प्रेत से कनेक्टिंग मीडियम। अपन की माँ बोले डॉक्टर बन, बाप बोला इंजीनियर बन, अपन बोले यहाँ पे पेशेंट कम है डॉक्टर ज्यादा है, बिल्डिंग कम है इंजीनियर ज्यादा है। अपन बोला धंधा कर रहे हो तो एकदम हटेला, पर क्या करेगा, किस्मत है ना फटेला। अपने धंधे में क्या है ना, गिराक बिराक सॉलिड है, पर देने के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं। तेरे पास है? नहीं ना। नहीं। एक तो साला कुंडली में डालने के लिए तेल नहीं है, ऊपर से थकेले लोग है ना यहाँ पे, इन लोग समझते फकीरा सटिया गेला है, अपने आप से बात कर रहा है। ये एड़े, क्या अपने आप से बात कर रहा है पगले? ये तेरी है साला धरती की बीमारी, ये साले अपने को पागल समझते। और तुम लोग भी ना मैयत अच्छे खासे टपके ले दे, काय को आए नीचे शांतपति करने के लिए, यूजलेस। अरे थोड़ा क्या देख रहा है, अपना ओपनिंग सेरेमनी का स्पीच खत्म हो गया है, चल बता तेरा प्रॉब्लम क्या है। फकीरा भाई, आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। फकीरा भाई, क्या फायदा? हाँ कड़के, चल बोल बोल, तेरा टेंशन क्या, बोल चल। फकीरा भाई, मेरी फैमिली बहुत परेशानी में है। फकीरा भाई, वो मेरे चाचा और उनके दोस्त मेरी फैमिली को बहुत परेशान कर रहे हैं, और हम उनकी मदद करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए तो फकीरा भाई आपके पास मदद के लिए आए हैं, प्लीज़ कुछ कीजिए ना। ये अपन कुछ नहीं करने वाला है क्या? जो कुछ भी करना है तुम लोगों को करने का है, अपन का टेक्निक बताएगा, 24 घंटे के अंदर 10 मिनट पावर। बस सिर्फ 10 मिनट का पावर? अबे छोटा चेतन, तेरा बजट कितना और तू बोलता कितना है, लेने का है तो लो, नहीं तो नहीं, नहीं। फकीरा भाई चलेगा चलेगा। अरे क्या पराठी मार के बैठने का, ठीक है। अभी मैं तुम लोगों को वर्डिंग सिखा रहा हूँ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ए, ये तो बेवकूफ बना रहा है, ये तो हनुमान चालीसा है। तो मुकद्दर का सिकंदर का गाना सुनाओगे तेरे को? हम लोग को स्पाइडरमैन, बैटमैन और सुपरमैन का पावर चाहिए। अबे पॉकेट ट्रांजिस्टर, ये सुपरमैन बैटमैन और स्पाइडरमैन का बाप मालूम कौन है? हनुमान। ये साला अमेरिकन कल्चर में आज तक कोई उड़ा था क्या? ये तीन जो है ना थकेले पंटर, इन लोगों ने भी पावर उधार में ले लिया हनुमान से। बात करता है, अपन इंडियन लोग है जिनको हनुमान की वैल्यू नहीं मालूम है,
हाँ समझे फकीर भाई, वो बच्चा है उसको माफ। ए, शुप। चल अभी जो मैं बोलेगा वही करने का क्या? ए नागरा वाले आइला, ये भी टपकेला है क्या? नहीं नहीं टपकेला तो दिखता है पर है ये। चले बजा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुखोर सुधार बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक पल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिव्य लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिव्य लोक उजागर दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिव्य लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिव्य लोक उजागर हरण विराज सुभेसा कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मोज जनेऊ साजे जय ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिव्य लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिव्य लोक उजागर जय शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता वन बसिया तेरी तो तेरे को भी उन लोगों के साथ कपड़े के ऊपर अंडरवेयर पहनने का क्या? अरे इतना सॉलिड सूट दिया हनुमान जी ने, मैन इन ब्लैक नहीं देखा क्या? हाँ लेकिन फकीरा भाई कपड़े हैं लेकिन पावर नहीं है। अबे यार मगनलाल ड्रेस वाले के कपड़े क्या पावर है सूट में? अरे ये इसको मार क्यों रहे हैं ऐसे? ये साले धरती के बोझ है ना, मजबूरों से पैसा वसूल कर रहे। आप कुछ करते क्यों नहीं? अब ये भी मैं करूं क्या? अरे तेरे को देना पावर वाला सूट, चल पावर टेस्टिंग कर, चल। अरे भाई क्या हो गया? भाई भाई जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस
विज्ञान हम सागर जय गणी सती सागर जय कभी सती हनुमान को जागर क्या पंटर लोग मजा आया कि नहीं टू गुड फकीर है भाई अच्छा चलता हूँ अबे ओ एहसान फरामोश भूत क्या दिन ब दिन इंसान होता जा रहा है बे ओ सॉरी 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 फकीर भाई ए केशो क्या कर रहा बाबा जी लेके आना जल्दी मुर्टू जरा मस्का उसको मार के लाना समझा वो देख तेरा पार्टनर उधर क्या कर ले पाव भाजी पड़ी कर ले उधर से तेरी तो पाव भाजी हवा में उड़ गई सारा उल्लू बनाता है क्या आते ही होगा यार तू बनाता है अबे अरे ये लीजिए फकीर भाई पाव भाजी कह रहे खाना आ जाओ तक मेरा मुंह देखे क्या पावर मिल गया ना चल कल्टी चल धोड़ा भी सब लोग को चल खाने दे मेरे को चल चल वाटले वाटले थैंक्स फकीर हाँ चले गुडली तू भी भाग्या थे अच्छा। चल चलो सरे तेरी तो गाड़ी उल्टी कर दूंगा पापा जी उड़ रहे मेरे को बोल रहे हैं सरा अरे बेवड़े क्या हो गया रे अरे पापा जी उड़ रहे मेरे को बढ़िया बढ़िया कहा आ जा बैठ मेरे साथ दादी दादी हाँ चलो अंदर सोना नहीं है तुम जाओ मुझे नींद नहीं आ रही दादी कल सवेरे डायलिसिस के लिए जाना है ना मुझे डायलिसिस नहीं करवाना क्या देखो ना बेचारा आदित्य कम उम्र में चला गया और मैं बुढ़िया अभी तक उदार की जिंदगी जी रही हूँ मुझे किसी पर बोझ नहीं बनना दादी ऐसी बच्चों जैसी बातें मत करो सच कह रहा अंजलि मेरी सास इतनी कीमती नहीं है कि अब हम डायलिसिस पे खर्चा कर पाए दादी ऐसा मत कहो दादी चल मेरे साथ कहाँ चल लेट्स गो अरे भाई ये डेंजर डबलिंग कौन है लगता है हमारे पैसे गार्ड करने के लिए इन लोगों ने बॉडीगार्ड रखे अरे भाई थोड़ा टाइम पास करेंगे ए मारा क्यों मारा मैंने क्या मारा अरे मुझे भी किसी ने मारा क्या हो रहा है हा? कौन मार रहा है हम लोग को क्या हो रहा है यार ए काय को हंस रहा है अरे तेरी बैट उतर गई अरे क्यों हंस रहा है पैंट तुम्हारी भी निकली माया आंखें बंद करो ना क्यों बंद करो ना ओके डार्लिंग सिर्फ तुम्हारे लिए वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल नेकलेस 10 लाख का है 10 लाख आज रात लुट जाने का इरादा है क्या हम तो चाहते हैं कि लुट जाए हाँ बेटा आज रात तेरे साथ ऐसा ही कुछ होने वाला कम ऑन टर्न अराउंड स्टे
कमान लेट्स गो। क्या हुआ डार्लिंग? क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं। कम बेसी। क्या कर रहे थे? जो वो लोग कर रहे थे वो देख रहा था। शट अप। चलो क्या हुआ? मैं सोच रहा हूँ कि सेफ का कॉम्बिनेशन तो है नहीं, खोलेंगे कैसे? अपुन तो भूत है, पैसा तो हाथ डाल के निकालेंगे। अरे हाथ तो अंदर डाल लेंगे लेकिन पैसे बाहर कैसे आएंगे? हाँ। सोचते सोचते आइडिया, मैं सेफ को अंदर से खोलता हूँ। ओके ओके देख क्या रहे हो, अपने हिस्से के पैसे लेकर चलते। चलो चलो। या डार्लिंग, बेस्ट फ्रेंच वाइन इन द वर्ल्ड। ओह रियली? यस, 22 and a half years old। वाओ, पिलाओगे नहीं? एक मिनट, क्या है? तुम्हारे लिए तो लाया हूं डार्लिंग, बेस्ट फ्रेंच वाइन इन द वर्ल्ड। ओफो, कितनी बार कहोगे अब? गो गेट द ग्लास। यस मैम, आई एम एट योर सर्विस। हो यस हो यस। डार्लिंग वाइन। ओ थैंक यू। चीयर्स। चीयर्स। बड़ा अजीब सा टेस्ट है इसका। फ्रेंच वाइन है। इतना अजीब? जरा फिर से ट्राई करो। अरे क्या कर रहे हो तुम, पीते क्यों नहीं? What the hell? सॉरी सॉरी, मेरी बात सुनो, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं कुछ सुना नहीं। मेरा क्या कसूर है? मैं जा रही हूँ। सॉरी माया, मेरी बात माया, सॉरी माया। How dare you? दादी कैसी हो? चलो लेट हो रहा है, जाना है ना डायलिसिस? मैं कहीं नहीं जा रही। दादी ऐसा नहीं कहते। बस बहस मत करो। अंजलि, दादी, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे हुआ क्या? हे, कहाँ से आए ये? हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। शायद आधे नहीं रखे होंगे, बताने का मौका नहीं मिला होगा। नहीं, मैं तो कबर रोज खोल रही हूँ, मैंने तो कभी नहीं देखे। शायद उसका भूत रख गया होगा। कुछ भी कहती हो तुम दादी, तुमने ठीक तरह से देखा नहीं होगा। शायद दादी। अब तो डायलिसिस के लिए चलोगी ना? हाँ बेटे। ओ या यो, अच्छा हुआ दादी डायलिसिस के लिए चली गई, नहीं? मैं तो थक गया। हाँ यार, मैं भी थक गया। ये सुनील भैया क्या पी रहे? शराब। शराब बुरी चीज होती है ना? तो क्यों पी रहे? पिछले साल बिजनेस में कुछ लॉस हो गया था, बस तब से पी रहे। क्यों लॉस हुआ था? अरे कितने सवाल करेगा यार, सुने देना। हाँ।
भाई सोने का टाइम है। कॉल। अरे 7 दिन तो पूरे नहीं हुए, अभी आ गए तुम? नहीं नहीं, वो बाजू में शर्मा जी के पास ड्यूटी थी, क्लाउड कवर थोड़ा कम था इसलिए जल्दी पहुंच गया। 15 मिनट का टाइम था, सोचा तुमसे मिल लूं। एक मिनट। क्यों, क्या? अरे नहीं, बैठो बैठो। तुम ये देव टावर वाले शर्मा जी की बात कर रहे हो? हाँ। अरे वेरी गुड यार, फैंटास्टिक, वेरी गुड। ये लाइफ में पहली बार अच्छा काम कर रहे हो तुम, वेरी गुड। कमाल है यार, 2 दिन पहले तो कोस रहे थे। वो बेचारे शर्मा जी का क्या है ना, पिछले 6 महीने से बिस्तर पे पड़े हुए हैं। अब नहीं, कहते हैं उनको बोन कैंसर है। अरे नहीं, वो चिल्लाते रहते हैं दर्द हो रहा है, उठा ले उठा ले। नहीं 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 नहीं। क्या हुआ? बात ये है कि मैं उनको नहीं, उनके बेटे को उठाने आया। क्या? ए! ए! तुम विशाल को उठाने आए हो? अरे 3 साल पहले शादी हुई उसकी, 1 साल का बच्चा है उसका, कैसी बातें करो यार। टेंशन मत दे यार मेरे को, देख लिस्ट पे नाम लिखेला उसका। अरे अभी निकलेगा ऑफिस के लिए। हाँ। अगले सिग्नल पर एक्सीडेंट और अपुन के साथ। यार मेरे को लेके गए काफी नहीं था क्या? दिस इज टू मच यार। ड्यूटी बॉस, ड्यूटी। अच्छा वो सब ठीक है, शर्मा जी को कब लेके जा रहे हो? शर्मा जी 4 साल बाद मेरे साथ। 4? मतलब तुम लोग के ऊपर कुछ लॉजिक है कि नहीं है? अरे जिस आदमी को अभी जाना चाहिए उसको तुम 4 साल बाद लेके जा रहे हो, और जिसके ऊपर पूरी फैमिली डिपेंड करती है उसको वो तुम वो क्या करते हो? हैं? मैं जाऊं क्या यहाँ से? चलो। नहीं? यार इतने लंबे से आए हो, कुछ तो पूछना चाहिए। क्या पियोगे? ठंडा गर्म? हाँ मेरे पे चढ़े जा रहे हो। अच्छा सॉरी, अरे गलती हो गई, सॉरी। अच्छा क्या लोगे? चाय, कॉफी, ठंडा, कोका कोला, पेप्सी, हॉलिक्स? वो क्या पी रहे? विस्की। विस्की? मैं विस्की पीऊंगा। अरे नहीं, वो शराब है, बुरी चीज है। ए, गेस्ट कौन है? तुम। हाँ तो मैं विस्की पीऊंगा। नहीं मिलेगी तेरी तो। अच्छा ऊपर लेके जाऊंगा, समझा? हर बार ऊपर लेके जाओगे क्या? अरे बाबा कोई किसी को नहीं लेकर जाएगा, मैं विस्की लाता हूँ। Mr. Young Raj, the snatcher of souls. Ah, अब मैं पूरी बोतल पीऊंगा। ये क्या हॉर्लिक्स है क्या कि पूरी बोतल पियोगे? नहीं मिलेगा। गेस कौन है इधर यार? अरे तुम हो यार। लेके आना यार, लेके आना यार। लाता हूँ यार। देख तो के बच्चों जैसा बिहेव करते हो। रियली सॉरी यार, डर गया। अजी भाई इतना क्यों पी रहा है? कोई फायदा नहीं। मिस्टर यमराज द स्नैचर ऑफ सोल। ए कौन है यार? कोई नहीं, कोई भी नहीं है। लाइफ हो तो ऐसी। हे भगवान ये मेरे से क्या हो गया? हे मैं इधर हूं इधर। क्या हुआ? अरे क्या हुआ, थक गया? टेंशन मेरे को है और तू थक गया? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? लग गया, मर गया, कम डाउन, बर्बाद हो गया। नीचे आया यार। क्या क्या पिला दिया तुम लोगों ने? मैंने बोला था, मैंने बोला था डोंट ड्रिंक इट, आई टोल्ड यू। तुमने बोला था? हाँ। तुमने ये नहीं बोला कि मैं गिर जाऊंगा? अरे ये क्या कर रहे हो? मेडिटेशन कर रहा हूं बेटा। नीचे आगे करो, नीचे आगे करो। नहीं आऊंगा। अरे यमराज जी इन्हें क्या हुआ? पता नहीं, हमने तो वार्न किया था। व्हाट डिड यू वार्न मी सर? आईना, शुड वी डिस्कस दिस ओवर अ कप ऑफ टी? ये अंग्रेजी में क्यों बड़बड़ा रहे हो? बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदू सर। आईव लॉस्ट माय आउटर जॉब, आईव लॉस्ट माय कन्वेयंस, आई एम गोना गेट अ डेस्क जॉब, means a clerk in heaven. क्या बकरे हो भाई? बकरा? You calling me a goat? You're not a goat. I'm saying ये क्या बक रहे हो? You mean what kind of rubbish I'm talking? Yes, exactly. Yes. My whole career is under jeopardy, and you're making fun of me.
अरे वो डिस्गस्टिंग। कमाल है, फिर चला गया, विस्की उसने पी, गिर खुद गया, घर में हम लोगों को भगाया। हम लोगों ने क्या किया यार? क्या किया? अरे? कौन? क्या? ए? क्यों डरा रहे हो यार? मैं डरा रहा हूं, तुमने मुझे डिस्ट्रॉय कर दिया। जब से तुम्हें मिला हूं तो अपने आप को कोसता रहता हूं, कोसता रहता हूं। स्टॉप इट, स्टॉप इट। एक बार विस्की पिला के तुमको हमने मार तो नहीं दिया ना यार? अरे मरे मेरे दुश्मन, मैं यमराज हूं। अरे तो क्या यमराज हो तो इतने हाइपर क्यों हो यार? हाइपर तुम हो रहे हो। या दैट्स ट्रू। वो क्या है ना, विशाल बच गया। बच गया? हाँ। मतलब ये कि वो अपने घर से निकला। हाँ। सेकंड सिग्नल पहुंचा। हाँ। तब तक मैं यहाँ विस्की पीकर अब मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। अरे यार, ओफो, किटी, आई, किटी, सॉरी 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 सॉरी। क्या सॉरी सॉरी? ये तुम्हारा रोज का नाटक है। जब मेरा ऑफिस जाने का टाइम होता है, तुम्हारा कोई नया काम निकलता है, तुम्हारी वजह से रोज लेट होता हूँ। हाँ, तो आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? बैठो। चलिए। मैं तो उस दिन को कोस रही हूँ जिस दिन मेरी माँ ने तुम्हें मेरे लिए पसंद किया था। और मेरे पिताजी ने तुम्हें हफ्ते में 365 दिन तुम्हारी वजह से डांट पड़ती है मुझे। तुम हो इसी काबिल। क्या? हाँ, तुम्हें तो ऑफिस में डांट पड़ती होगी, मेरे को तो सुबह से ही डांट शुरू हो जाती है। अरे तो क्यों ना पड़े, जो कुछ हो रहा तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। मेरी वजह से? हाँ। पिताजी तुम्हारे बीमार हैं, दिन रात मैं उनकी सेवा करती रहती हूँ, मेरी एक भी तारीफ करना तो दूर, दिन रात मुझे डांटते रहते हो। अरे क्या तारीफ करूँ, तुम्हारी आरती उतारूँ? पिताजी बीमार है, पिताजी बीमार है। अरे बीमार है तो घर से उठा के बाहर फेंक दूँ उनको। मैंने कब कहा? तो और क्या कर रही हो? अरे सामने देखो। तो क्या हुआ, मर गया ना? ये हुआ नहीं। तो ये देखो। हाँ। किटी! आई! सॉरी 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 सॉरी। क्या सॉरी सॉरी? ये तुम्हारा रोज का नाटक है। जब मेरा फास्ट फॉरवर्ड करो ना। फास्ट फॉरवर्ड। ओए! कहाँ चले गए? कहाँ चले जाते हो? बता के तो जाना चाहिए। अरे लेट हो रहा था, बाई एयर जाने की कोशिश कर रहा था। माइंड ब्लोइंग। मतलब विशाल नहीं मरेगा? क्यों रे, क्यों नहीं मरेगा? हर आदमी का स्पेयर टाइम होता है ना। मतलब कभी कभी हम वक्त पे नहीं पहुंचते। डिस्कवरी चैनल देखा है? देखा कैसे आदमी कभी मर के भी जिंदा हो जाता है। तो अब विशाल कब मरेगा? 40 साल बाद। हमारा भी स्पेयर टाइम था। ऑफ कोर्स। तो क्यों मारा हमको? अरे मैं पहुंच गया ना। हाँ। इससे पहले कि मैं रो दूं, मैं जाता हूं। चलो, कम से कम विस्की की वजह से विशाल की जान तो बची। एक्सक्यूज मी सर। अब क्या? वो एक और विस्की मिलेगी क्या? है? You are the limit. मतलब अभी भी के पड़ गए थे, अब फिर मांग रहे हो? मेरे लिए नहीं, उससे ना चित्रगुप्त को पटा सकता हूं। ऊपर भी? ओके, लाता हूं। एक्सक्यूज मी सर, योर विस्की। थैंक यू सर। यू वेलकम। माय फ्यूचर लाइज इन योर हैंड्स। Thank you, boy. Next time you get a spanking, understand? Jolly good. Thrilling. ये सब क्या है? मैंने सम्स दिए थे ना सॉल्व करने? एग्जाम्स पास आ रहे हैं, तुम लोगों को कोई फिकर है या नहीं? हम लोग ड्राइंग कर रहे हैं प्रिया दीदी। पता है, मगर ये जरूरत है अभी करने की। प्रिया दीदी, ये आप हो। अच्छा। और ये आदि चाचू है। प्रिया दीदी, क्या हुआ, ड्राइंग अच्छी नहीं लगी? हाँ, बहुत अच्छी है, ड्राइंग करो। प्रिया
बस बिया बस। आदि 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 गया दुबई, चलो मेरे साथ। छोड़ो मुझे पंकी। मैंने कहा चलो। क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। Come on पंकी। दादी सीरियसली आदि था वहाँ पे, वरना मैं और बच्चे पंकी से कैसे बच पाते। तुम ऐसे ही कह रही हो और... नहीं दादी एक मिनट, मुझे लगता है पिया सही कह रही है। मेरे साथ उस दिन क्या हुआ, अचानक मेरी विस्की की दो बोतलें गायब हो गई। अरे लेकिन आदि... और दादी वो पैसे एक दिन पहले तो वहाँ नहीं थे। हा? दादी ये ईशान को समझाइए ना, वो मैजिक शो की प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा है, कल शो है और वो चुपचाप बैठा हुआ है। अच्छा ठीक है चलो मैं आती हूँ। चलना ईशान, तुम प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे? नहीं लेना है पार्ट मैजिक शो में। क्यों? बस नहीं लेना है। ईशान नहीं लोगे तो आदि चाचू को बहुत बुरा लगेगा ना। बुरा लगता है तो जोड़ के जाते क्या। ईशान तुम तो जानते हो ना चाचू हमारे साथ है और वो तो हमें हेल्प भी करते हैं, है ना? और चाचू तुम्हें देख भी रहे हैं। आइला इन लोगों को कैसे मालूम पड़ा? अरे ऐसे ही बोल रहे हैं, देखो। अच्छा ना ईशान प्लीज प्लीज अब तू ज्यादा भाव मत का वरना मैं तेरे को टिकली करेंगे। ओके ओके सब लोग इधर आ जाओ। नाउ वॉच दिस, चेन बांध दे। चेन चेन बांधो। हां क्यों? ओके शो? हाँ दादी कसके बांधी है। अच्छा भाई बांधते हैं। ताला लगाओ शिवांगी, ताला लगाओ। ठीक से लगाओ। लॉक हो गया। फॉलो मी, बॉक्स खोलो। एक मिनट चंदू तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ। मैं सबको डराने के लिए बैठा था। अरे ये कहाँ गया? कहाँ गया ये? ए टाइगर्स मैं यहाँ हूँ। तू आ कैसे पहुँचा? मैजिक जिम्बारी वब्लॉक। अरे कोई मेरा मैजिक तो देखो। ये अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? खोल के देखी क्या? मारेगा वो। Excellent! अरे मैजिक ईशान ने किसे किया? अरे चीटिंग की, डुप्लीकेट चाबी उसके मुंह के अंदर थी। फिफ्थ एनुअल छोटा जादूगर कॉम्पिटिशन में अब अपना करिश्मा दिखाने आ रही हैं बेबी करीना। दोस्तों अब आपके सामने आ रहा है हमारा अगला कंटेस्टेंट किंग ईशान। किंग ईशान के हाथों को पहले चेन से बांधा जाएगा, उसके बाद उस चेन पर एक ताला लगाया जाएगा और फिर किंग ईशान को इस संदूक में बंद कर दिया जाएगा। किंग ईशान चेन खोलकर संदूक से ऐसे बाहर निकलेगा जैसे बंदूक से गोली। अरे देखो ना यार, अरे कितनी बार देखूं, देखा था ना यार कल। अगर आज ये करिश्मा किंग ईशान दिखा पाएगा तो आज के इस शो का विजेता होने से उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मेरे 5 साल के एक्सपीरियंस में मैंने ऐसा खेल नहीं देखा। मुझे नहीं लगता है कि किंग ईशान ये करिश्मा दिखा पाएगा। पिया दीदी
आदि, बचाओ! आदि भाई, क्या है? क्या हो रहा है? मुझे डर लग रहा है। कुछ नहीं हो रहा है बेटा, वो थोड़ा फुटेज खा रहे। Come on, Ishan, you can do it! बिया, मुझे चिंता हो रही है। ईशान ठीक तो होगा ना? आदि चाचू, बचाओ! ईशान, come on, बाहर आ जाओ! Come on! आदि भाई, क्या है? आपको चिंता नहीं हो रही है? तुमको हो रही है? हाँ। देख करो। Yes. Come on, Ishan, तुम कर सकते हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सता। आदि भाई अब क्या है मेरे बाप? ईशान को कुछ हो गया। हाँ? वन टू थ्री। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसती हूँ लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसती हूँ लोक उजागर। लेकिन तो हवा में फ्लोट कैसे हुआ? हाँ, हाँ, जादू होगा तो बताऊंगा ना। और पता है वो चाबी भी बॉक्स के अंदर गिर गई थी और मेरी सांस भी रुक गई थी। अल्लाह, फिर वो चाबी फ्लोट होने लगी और मेरा ताला भी खुल गया और फिर किसी ने मुझे उठाया। किसने उठा होगा तेरे को? डफर चाचू ने। ईशान तुम कुछ भी बोलते हो, ईशान सच बोल रहा है। आदि हमारे बीच में है और हमारी मदद भी कर रहा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि वो हमारे सामने क्यों नहीं आता। मैं आपके सामने हूँ दादी। दादी, क्या आदि चाचू को पता नहीं चल रहा है कि हम उन्हें कितना मिस कर रहे हैं? मैं भी तुम्हें मिस करता हूँ, स्टूपिड। अरे हमारी बात छोड़ो, पिया को देखो।
अपने सिर्फ तुम्हारी एक कमी थी, छू के तुमको पिघल रही है, इन होठों पे बर्फ जमी थी। आया कैसा समा, आई कैसी घड़ी, चैन जाने लगा बेकरारी बड़ी। विक्रम, क्या बात है, ये क्या लेके आए हो? ये बैंक के डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके ऊपर आपके सिग्नेचर चाहिए। पढ़ तो लीजिए। पढ़ लीजिए भैया। ये क्या मेरी उम्र है क्या पढ़ने लिखने की? ये क्या मजाक कर रहे हो, साइन तो करो। मैं थोड़ी मजाक कर रहा हूँ। ये क्या किया, पेन क्यों फेंक दिया? अरे मैंने थोड़ी फेंका, आपने आप क्या? मैंने अभी क्या करा हो? ए बेवड़े, बस हो गया अभी। नहीं विक्रम, खबरदार इनको कुछ कहा तो। सॉरी बोल। सॉरी भाभी, वो मैं सिग्नेचर्स के लिए। क्या है ये? अरे कुछ नहीं, कुछ बैंक के पेपर्स हैं। देखो तो। हाँ देखिए, बकवास कर रहा है। बहुत हो गया, देखना साइन कर वरना। कुछ करो ना। अरे इसको मालूम नहीं भैया कॉलेज में बॉक्सिंग चैंपियन थे। आगे ना वरना। बचा, बचा। मार दूंगा मैं। और खबरदार अगर वापस इस घर में आए तो। पापा, आई एम प्राउड ऑफ यू पापा। तुम यहां कैसे? लफड़ा हुआ ना। लफड़ा मतलब? अरे वो शर्मा डेथ केस में चित्रगुप्त ने सजा सुना दी। अच्छा, 3 हफ्ते से मैं अपनी बीवी को नहीं मिल सकता। यार ये तो बहुत बुरा हुआ। बहुत बुरा हुआ है, सब तुम्हारी वजह से। मेरी वो सॉरी। अरे सॉरी से क्या होगा? वो मतलब आइडिया, चलो मेरे साथ। कहाँ? चले। मिस्टर
मिस्टर यमराज द स्नैचर ऑफ सोल्स। अरे ये बे कहां गए, अबे क्या हो? Prove it, prove it, prove it.
7 6 5 4 3 2 1 घर पर लिया हुआ कर्जा लौटाने का टाइम खत्म। कल सुबह 9 बजे हमारा ठिकाना होगा बसेरा। कैसी लगी ये प्रॉपर्टी? यहाँ एक 25 माले का शानदार टावर बनेगा। अबे ओ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, तुम हो कौन? मैं कौन? इस घर के मालिक, और आज शाम तक ये घर खाली हो जाना चाहिए। तुम पागल हो? पागल मैं? क्या है ये? रीड इट। हरेश, इसमें लिखा क्या है? मैंने कहा था ना, अजय ने कुछ पैसे उधार लिए थे, वो इन्हीं से लिए थे। और पैसे लौटाने की आखिरी तारीख कल थी। अब तुम लोग खुद जा रहे हो या सामान उठाकर बाहर फेंकूं? अच्छा, इस घर के एक भी सामान को हाथ लगाए तो मैं हाथ काट के हाथ में रख दूंगी। इस सामान के साथ मैं तुमको भी उठाकर बाहर फेंक दूंगा। अच्छा, आ इधर आ, इधर आ, इधर आ, आ, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, मैं समझाता हूँ। सारे फसाद की जड़ ये घर है, इस घर को इनके पास बेच देते हैं, वरना इनकी धमकियां भी उतनी ही असली हैं जितने ये कागजात। अब क्या करेगा काले कौए? ए बुढ़िया, वॉच इट। जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर, जय कबीर सती हूँ लोक उजागर। जी, ये क्या कर रहे हैं आप वीराचंद जी? जी, अपने हाथों से घर निकला जा रहा है और आप हैं कि आप अपने नाक में उंगली घुसड़े हुए, निकालिए बाहर। अच्छा, तो आप इनके साथ मिले हुए हैं? तुमने मुझ पर हाथ उठाया? हाँ, बारा। जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर, जय कबीर सती हूँ लोक उजागर। सारी मुसीबत की जड़ ये औरत है। छोड़ दे पंखी, मैं बहुत गुस्से में हूँ, छोड़ दे मुझे। Hey, what's your problem, man? मुझे क्यों मार रहे हो तुम? क्योंकि आप विलेन हैं। कौन है बे? बैठ मोटे। ये क्या बदतमीजी है? कौन मैं? कौन है तुम? थोड़ा टाइम प्लीज। मम्मी, डैडी। मम्मी, मेरी टाई क्यों खड़ी हो रही है? क्या हुआ अंकल? आप थक गए क्या? तुम लोग So funny. It was. ले लो, टाइ ले लो। अरे ये क्या, अकेले फाइटिंग करोगे क्या? अरे तो तुम भी आ जाओ ना दीदी, बहुत मजा आ रहा है। हाय। Thank you. You're welcome. Thank you. Hey, kya? Kyun uncle? Solid padi na? De
मेरी तो वेरी गुड छोड़ा ना तेरे बंद हो गया क्या हुआ बांध दिया बांध दिया मुझे बांध दिया ये क्या कर रहे हो तुम स्टॉप देखता नहीं मैं झूला झूल रहा हूँ जब मैं 6 महीने का था मेरी माँ मुझे ऐसे ही झूला झुलाया करती थी मम्मी अब बिहेव योरसेल्फ आई एम बिहेविंग मायसेल्फ यू इडियट गाइस देखो क्या हो रहा है जल्दी आओ चलो 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 1 2 3 गो इधर चला मैं उधर चला जाने कहां मैं किधर चला अरे फिसल ये तूने क्या किया दादी पूछो हीराचंद जी ये प्रॉपर्टी किसकी है मेरी आदि तुम यहां हो ना आदि मुझे पता है मैं तुम्हें महसूस कर सकती हूं प्लीज मुझसे बात करो आदि आदि आई मिस यू I love you, Adi. I love you. Adi, Adi, मुझसे बात करो, please. मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ. कहाँ हो तुम, Adi? मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ. कहाँ हो तुम? ये क्या है पिया आदि ने आई लव यू पिया लिखा दादी उसने यहाँ होने का सबूत दिया है हाँ जानती हूँ लेकिन बेशरम सामने क्यों नहीं आता मजबूरी है दादी तुम आज मजबूरी खत्म हो गई मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं 7 दिन के बाद आऊंगा ये लो ये क्या है तुम्हारी जान कहा था ना मैंने कि तुम सबसे 5 मिनट के लिए मिल सकते हो यमराज जी 5 मिनट से थोड़ा ज्यादा हो सकता है प्लीज
यमराज जी आपने मेरी इतनी मदद की, थोड़ा और प्लीज। नो नो इमोशनल ब्लैकमेल, खा लो खा लो खा ले। आपसे मिलने के लिए सिर्फ 5 मिनट का वक्त दिया गया। किसने? यमराज ने। वो मिस्टर यमराज, द स्नैचर ऑफ सोल। यमराज जी यहाँ? हाँ वो वहां बैठे हैं। चाचू हा? ये कौन है? बेटा ये शक्ति है, ये भी मेरे साथ है। हेलो एवरीबॉडी। हेलो शक्ति। दादी अब पूरे घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। सुनील भैया और भाभी कहाँ हैं? सुनीता सुनील को लेके डॉक्टर के पास गई है। सब ठीक तो है ना? हाँ सुनील शराब छोड़ना चाहता है। यम्मा 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 यम्मा, ये अच्छी खबर है। नहीं नहीं, याद है ना लास्ट टाइम क्या हुआ था? लेकिन टेस्ट अच्छी थी यार। दादी अब पैसों की भी कोई परेशानी नहीं। अंजलि की शादी धूमधाम से होनी चाहिए। लेकिन नहीं दादी, पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है चाचू। लाइफ होती है ऐसी। मर गया, लुट गया, बर्बाद हो गया। शट अप, जस्ट शट अप। फिर से शराब क्यों पी तुमने? वो कंट्रोल नहीं हुआ, मर गया लुट गया बर्बाद हो गया। कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, कुछ भी नहीं हुआ है। 50 थप्पड़ मारकर जगाना पड़ा मुझे, 2 मिनट वेस्ट कर दिए तुमने मेरे। 50 थप्पड़ मारे? हाँ लेकिन उठाए क्यों? अरे तुमने अपना वादा निभाया तो मुझे भी निभाना पड़ेगा ना यार। यू आर अ वेरी नाइस बॉय, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। स्टॉप ऑल दिस अच्छे बच्चे, प्लीज स्टॉप इट। जाऊं अब मैं? गो गो, आई एम सॉरी। व्हाट सॉरी? किससे बात कर रहे हो बेटा? अरे ये यमराज, क्या जरूरत थी पीने की? तो उनसे कहना ना कि तुम्हें बख्श दे। ऐसे कैसे हो सकता है दादी? तुम्हारी जगह मुझे ले जाए ना, वैसे भी तो मैं यहाँ पे बोझ हूँ। नहीं दादी, तुम्हारी जरूरत सबको है। यमराज जी आप मुझे ले जाइए। नहीं यमराज जी, आप मुझे लेकर जाइए, मेरे मम्मी पापा भी तो वहाँ हैं, चाचू की सबको जरूरत है। हाँ यमराज जी, आप चाचू को छोड़ दीजिए, आप मुझे लेकर जाइए। आप मुझे लेकर जाइए, आप मुझे ले जाइए, मुझे लेके जाओ, मुझे लेकर जाइए। नहीं यमराज जी, आपको मुझे लेके जाइए। चाचू को छोड़ दीजिए। क्या कर रहे हो ये सब तुम लोग? स्टॉप इट ना, बस। अरे एक ना एक दिन सबको जाना ही होता है। शक्ति के माँ बाप को दर्द नहीं हुआ होगा? नाउ कम ऑन, तुम लोग सब मुझे हंस के विदा कर, कम ऑन स्माइल। पिया पिया पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारी, तुम फिक्र मत करो,
तुम्हें मुझसे भी अच्छा लड़का मिल जाए। आदि, मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकती। दादी से समझाइए, प्लीज पी, स्टॉप इट प्लीज। पी अब। आदि, आदि। अब क्या है? एक मिनट है मेरे पास, प्लीज। रह जाओ उधर। क्या? इन सबको तुम्हारी जरूरत है, जाओ। क्या होगा? आउटडोर नौकरी जाएगी, जाने दो। नहीं चाहिए ऐसी नौकरी जिसमें कोई मेथड ना हो। कह दूंगा उस चित्रगुप्त से कि इस धरती पर कई ऐसे लोग हैं जिन्हें जीने का कोई हक नहीं। करप्ट पीपल, क्रिमिनल्स, देशद्रोही, संभाल लूंगा। रह जाओ, जाओ। सच? जाओ। ओया, क्या हुआ? यमराज जी ने हमें बख्श दिया है, अब हम यहीं रहेंगे। ओया, चाचू हमें यमराज जी को थैंक यू कह रहे हैं। टेल देम इट्स ओके। वो कह रहे हैं इट्स ओके। ऐसे नहीं, हमें उनसे मिलना है। हाँ, हमें उनसे मिलना है। नहीं अदी, नहीं। प्लीज। नो, नो। बच्चों का दिल तोड़ोगे? अरे मुझे इमोशन में मत डाल। वंस, प्लीज। ओके। हेलो एवरीबॉडी। संजय दत्त? हैं? कौन है वो? मैं फेड अप हो गया मालूम। चार दिन पहले कोई मेरे को मुन्ना भाई बोला, कई साल पहले कोई मेरे को खलनायक बोला, रघु भाई बोला। है कौन ये? अगली बार संजय दत्त तुमको मिलेगा ना, तो उसको बोलना वो यमराज की तरह दिखता है। ओके। सी यू। एक्सक्यूज मी। यस। आप कुछ लेंगे? चाय, कॉफी या और कुछ? वो मिलेगा क्या? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अभी 10 मिनट में मुझे अस्पताल से एक कंसाइनमेंट उठाना है। बाय दोस्त। आदि, ए आदि, ए, रोना नहीं है, रोना नहीं। हमें छोड़ के मत जा। कैसी बातें कर रहे हैं तू? हाँ, तुम भी हमारे साथ रह जाओ। पहली बार मुझे किसी ने अच्छा कहा है, नहीं तो पूरी दुनिया मुझे कोसती है। काल, मौत का सौदागर, टर्मिनेटर, आई एन वी यू यार। तुम कितने अच्छे बच्चों के साथ रहते हो, तो तुम भी रह जाओ। अरे तू तो जानता है ना, ड्यूटी है मेरी। रिजाइन कर दो। बचपना छोड़ो अली, जब भी मेरी याद आए ना तो मुझे बुला लेना। लेकिन मैं आऊंगा। ओके? नहीं, प्लीज। बाय एवरीबॉडी। क्या हुआ? What's the problem? तुम लोग मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं ठीक हूँ। पूरा सपना देखा। ओ साहब जी, ये लड़का अंदर घुसा है। ये लड़का अंदर घुसने का नहीं। बचाओ। ओ दादा, सपना था क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दादी, मैं दो बिल्डिंग छोड़ के रहता हूँ, क्या मैं आपके साथ खेलने आ सकता हूँ? जरूर शक्ति बेटा। आपको मेरा नाम कैसे मालूम? शक्ति। हुँ? हुँ?
किसका घर आया है अंदर? ये कौन है? पता नहीं, देखते हैं। अरे, अच्छा ओके ओके। एक्सक्यूज मी। यस। आई लव यमराज। मैं यमराज। आपको कोई गलत फहमी हो गई शायद। मेरा नाम संजय दत्त है, छोटे मोटे रोल करता हूँ। अरे ऑफ कोर्स संजू बाबा, हाउ आर यू? वो बच्चे ऐसे ही मजाक कर रहे थे। ए, सॉरी बोलो। सॉरी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बेटा यहाँ कैसे आना हुआ? बहुत दिनों से ये प्रॉपर्टी देख रहा था, अच्छी है। सोच रहा था कहीं बेचना हो। अरे ओके ओके ओके, चिल्लाते क्यों हो? नहीं बेचना है तो मत बेचो। एक्चुअली घर जान पे खेल कर बचाया। ठीक है ठीक है, लेकिन एक ग्लास पानी तो मिलेगा। हाँ आइए ना, आइए ना प्लीज। ये माँ क्या देख रही है? ये देख, 50 तोला। कितना? 50 तोला। ये तू वास्तव देखा है क्या? 3 बार। तो फिर ये यमराज काय को? वो क्या है ना मामू, अपनी जबान फिसल गई। वो बोले तो टंगा स्लेम। तो कट्टू यमराज। अरे गलती हो गई ना मामू, अब बच्चे की जान लोगे क्या? बोले तो लाइफ टेकिंग। छोड़ो ना मामू, एक जादू की छपी दे दो, बाद में सब ठीक हो जाएगा। गुड आइडिया, आ जाओ आ जाओ। तुम कहाँ जा रही हो? लाइफ हो तो ऐसे। ओ या, ला 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 la 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 राह में दर्द बांट लेंगे हम, हम चाहे हो खुशी मिलके अब सहेंगे हम। कोई आँख जैसा मिल जाए तो बात बन जाए सनम। कोई आँख जैसा मिल जाए तो बात बन जाए सनम। कोई आप जैसा मिल जाए तो बात बन जाए सनम।